पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। वैसे नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। आज देखोगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। 25 जून 1974 को जन्मे कैप्टन मनोज पांडे सिर्फ 25 साल की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कैप्टन मनोज पांडे का मानना था, कुछ लक्ष्य इतने अनमोल होते हैं कि अगर आप उन्हें हासिल करने में असफल रह जाए तो उसमें भी अलग ही मजा होता है। छोटा मोटा कारोबार करने वाले गोपी चंद पांडे और मोहिनी पांडे के बेटे मनोज पांडे ने स्कूल से ही अपनी दिशा तय कर ली थी। उन्होंने सैनिक स्कूल में पढ़ाई की। सैनिक स्कूल से पढ़ने की वजह से बॉडी बिल्डिंग और बॉक्सिंग जैसी चीजें उनका शौक बन गई थी। साल 1990 में वो एनसीसी के जूनियर डिवीजन के बेस्ट कैंडिडेट भी चुने गए थे। सेना का अधिकारी बनने के लिए लंबी इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में शामिल होने के लिए जब मनोज पांडे इंटरव्यू देने गए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। इस पर कैप्टन मनोज पांडे ने जो जवाब दिया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि जो वो कह रहे थे उसका मतलब था कि मनोज पांडे खुद अपनी मौत चाहते। मई 1999 में जब कारगिल में घुसपैठ शुरू हुई तो कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन को बटालिक सेक्टर में तैनात कर दिया गया। खालूबार, जुबा और कुकरथाम कुछ ऐसी चोटियां हैं कि वहाँ लड़ाई तो दूर की बात है, चढ़ाई करना ही मुश्किल काम है। इस यूनिट की अगुवाई कर रहे थे कर्नल ललित राय। कैप्टन मनोज पांडे ने इस इलाके में दुश्मनों को नाकों चने चबा दिए थे और जुबान टॉप पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना मुश्किलों का सामना कर रही थी। कई जवान घायल और शहीद हो गए थे। मामला बेहद नाजुक था। कैप्टन पांडे 5वीं प्लाटून के कमांडर थे। उनकी यूनिट को खालूबार की ओर बढ़ने के आदेश दिए गए। 2 और 3 जुलाई की रात में जब उनकी पलटन आगे बढ़ी तो चारों ओर से दुश्मनों की गोलियां बरस रही थी। कैप्टन मनोज पांडे को जिम्मेदारी मिली कि दुश्मनों को खदेड़कर बाहर करें और तिरंगा लहराए। कैप्टन मनोज पांडे ने ऐसी रणनीति बनाई कि उनकी टीम ने दुश्मनों को घेर लिया। 2 पोजीशन पर कैप्टन मनोज पांडे ने आसानी से कब्जा भी कर लिया। तीसरी पर हमले के लिए वो जैसे ही आगे बढ़े, एक गोली ने उनके कंधे को चीर दिया और दूसरी ने उनके पैर को छलनी कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद कैप्टन मनोज पांडे ने 4थी पोजीशन पर भी हमला कर दिया। 3री पोजीशन के बाद कैप्टन मनोज पांडे ने 4थी पोजीशन पर ग्रेनेड फेंक दिया और खालूबार हासिल कर लिया। एक तरफ खालूबार पर तिरंगा लहराया, दूसरी तरफ कैप्टन मनोज पांडे अपने सपने को पूरा करने की आखिरी यात्रा पर निकल चुके थे। खालूबार में शहीद हुए कैप्टन मनोज पांडे ने देश के लिए खालूबार हासिल करने के साथ साथ ही अपने लिए परमवीर चक्र भी हासिल कर लिया। दोस्तों, ऐसे ही एक सैनिक की कहानी लेकर आ रहे हैं अब्बास मस्तान अपनी अगली फिल्म सोल्जर 2 में भी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, इंस्पायरिंग लगी, इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ दोस्तों, मैं अंजलि जाते जाते आप लोगों को एक गुड न्यूज तो दे दूं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो फटाफट से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। नमस्कार।